फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज और खूबसूरत अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने करियर के दौरान कई बॉलीवुड की बड़ी हिट फिल्मों में काम किया पद्मिनी ने अपने दम पर ही बॉलीवुड के दर्शकों के दिल में एक अपनी अलग जगह बनाई है अपने करियर के दौरान की गई फिल्मों के अलावा भी पद्मिनी को कई ऐसे फिल्मों के ऑफर आए जिन फिल्मों को आज भी याद किया जाता है उन्हीं में से एक फिल्म है राम तेरी गंगा मैली जिसका ऑफर पहले पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला मगर उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी की भूमिका को लोग आज भी याद करते हैं मंदाकिनी ने इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड सीन्स दिए हैं इतना ही नहीं तो राज कपूर ने फिल्म के शूटिंग के दौरान पर भी पद्मिनी कोल्हापुरे को मनाने की कोशिश की मगर एक इंटरव्यू में पद्मिनी कोल्हापुरे ने इस बात से पर्दा उठाया है कि उन्होंने राम तेरी गंगा मैली सिर्फ बोल्ड फीन्स के चलते ही नहीं की आगे पद्मिनी कोल्हापुरे ने कहा कि आप हर उस फिल्म को हाँ नहीं कर सकते जो आपको ऑफ़र की गई हो मंदाकिनी ने फिल्म में अच्छा काम किया राम तेरी गंगा मैली एक वाकई अच्छी फिल्म है फ़िल्म के गाने भी काफ़ी अच्छे हैं मगर मेरा इस फिल्म में काम न करने की वजह राज जी अच्छी तरह समझते थे पद्मिनी कोल्हापुरे जी को जब ये पूछा गया कि आपने इस फिल्म को बोल्ड फीन्स के चलते ठुकराया तो उन्होंने कहा कि राज जी जब मुझे इस फिल्म की कहानी बता रहे थे तब इस फिल्म में कोई भी बोल्ड फीन्स नहीं था लेकिन मैं किफिंग फीन नहीं करना चाहती थी फिल्म में मुझे राजीव कपूर के साथ एक किफिंग फीन करना था और मैं ऑन स्क्रीन किफिंग फीन करने में अफहज महसूस करती हूँ इतना ही नहीं तो राज कपूर जी ने मंदाकिनी के साथ पैंतालीस दिन की शूटिंग खत्म होने पर भी मुझे एक बार फिर सोचने के लिए कहा तो ये थी एक और स्टोरी ऐसे ही किस्सों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड रेक्ट्रो चैनल को टेक केयर बाय बाय